ये भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, ये मंदिर सत्य युग से ये मंदिर है। यदि जो मंदिर, ये जो यहाँ पर एक तालाब है, जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को वध किए, वध करने के बाद ये जो तालाब देख रहे ना, ये तालाब में नरसिंह भगवान हाथ धोए थे, और हाथ धो करके नरसिंह भगवान यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। इसी मंदिर में नरसिंह भगवान इसी मंदिर में विश्राम किया था। कब? सत्य युग में, जब उन्होंने श्री हिरण्यकश्यप को जब उन्होंने वध किया था। इसलिए जो स्थान है ये सत्य युग का स्थान है। जो भक्ति जो जगत है, शास्त्र में बताया सत्यम सत्य विज्ञान, मतलब है अगर तुम अगर सच बोलने के लिए जाओ ना उसमें सौ विघ्न है, अगर तुम तपस्या करने के लिए जाओ उसमें हजार विघ्न है, अगर तुमने भजन करने के लिए गया थोड़ा तिलक लगा दी, गला में थोड़ा कंठी पहन लिया और थोड़ा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खैर तो देखना क्या होता है दुनिया में, जैसे मीरा ने भजन की ना साई सब उसको नाना सास देवर सब पीछे पड़ गए, यहाँ तक भी गांव के कुत्ते भी पीछा नहीं पड़े। अगर तुम भजन बेटा अगर शराब पी रहे ना स्मोकिंग कर वेरी गुड माई सन इज वेरी गुड, अगर कंटी तिलक लगाते बोले ये कौन सा बीमारी तुम्हारी, हाँ ये सब कौन है? मतलब भक्ति जगत में इतने बाधाएं हैं, गंदी रास्ता में कोई बाधा नहीं, लेकिन वो सारे बाधाओं को दूर करते हुए हमें भक्ति में कौन प्रवेश कराते हैं? ये नरसिंह भगवान हमें रक्षा करते हैं। हर बाधा विपत्ति में ये नरसिंह भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए हर समय श्री प्रहलाद महाराज जीवन में कितने बाधाएं आए, आकाश में फेंक दिया, जहर पिलाया और उनको सर्पों के सामने फेंके, लेकिन भगवान नरसिंह देव हर से मुझको रखा क्या। लास्ट में उन्होंने खंबे से प्रकट होकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध करके उन्होंने प्रहलाद को रखा की। इसलिए इनकी भक्ति करने पर क्या होगा, हमारी भजन में जितने बाधा है ना वो सारे बाधाओं को दूर करेंगे, सारे बाधाओं को दूर करेंगे। इसलिए हर समय हमें इनको स्मरण करनी चाहिए। So in Satya Yuga, after killing Hiranyakashipu, Narsingh Dev, here there is a pond. So he has washed his fingers in that pond and he took rest here. So what is the significance of Narsingh Dev? He removes all the obstacles. So in our devotional services, he also removes all the obstacles. Gurudev was telling that if somebody tries to tell the truth, he will have 100 obstacles. If somebody tries to do austerities, he will have 1000 obstacles. And if somebody wants to do devotion, then he will have unlimited obstacles. In every step, there will be obstacles. So we have to pray to Narsingadev. By his mercy only, our obstacles will be removed and we will have a smooth journey in our devotional life. So, in a telling if somebody drinking alcohol, and drinking alcohol, smoking cigarette, taking the some drugs, oh very good, my son is very nice, good. But if you take put in mala in your neck, if put some tilak and chanting the Hare Krishna, bali kaun sa bimari tumhe lag gaya, kiske asat sang mein tumhe pad gaya, us samay to ek Hiranyakashipu tha, ab ghar ghar Hiranyakashipu. So doing as per the modern lifestyle, drinking, smoking, all these things are accepted in the society. But when somebody tries to do devotional services, this is not accepted in the society, and they will create, even your neighbors, your household people, your own people, even the dogs in the village, I mean, they will also not allow you to do the devotional practices. So that's why we should pray to Narsingh Dev in every steps, and he will remove our obstacles. So Vishwanath Chakravarti Thakur tell a very nice thing, you know. Kadi jo Narsingh Bhagavan ka tha, ye Bhagavat ka saptam skandh mein aati hai. उसका नाम है देते हैं कुत्ती, उसका एक एक अलग अलग लक्षण है, एक एक स्कंध का भागवत सप्तम स्कंध का जो लक्षण है कुत्ती, कुत्ती मतलब होता है कर्म वासना, कर्म वासना मतलब वो कहते दो तरह का कर्म वासना, एक अच्छी और एक बुरा, दो तरह का कर्म वासना है। जब कहते ये अच्छा और बुरा कब होता है, तब उन्होंने उदाहरण दिया, कहते ये जो कहते एक समय वैकुंठ से भगवान के चरण का तुलसी और चंदन का खुशबू ये वैकुंठ से गया कहाँ पर ब्रह्मलोक में, जब ब्रह्मलोक में गया तब चतुसंग नासिका विवर में प्रवेश किया तो
भले हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाए ब्रह्मा जी को, पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी को अच्छी बात है, भगवान को दर्शन करेंगे तो मन बदल जाएगा, लेकिन जब वो आए चतुसन उनका रास्ता, उनको जय विजय रास्ता रोक लिया, रास्ता रोक लिया तो इतने चतुसन बिगड़ गए, बिगड़ करके दोनों का अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तुम राक्षस कुल में जाओ। इसलिए दो तरह का कर्म वासना है। अच्छा कर्म वासना कब आएगा? जब किसी भक्तों का कृपा हो। कहते गंदी कर्म वासना कब आएगा? जब कोई भक्त हमारे ऊपर बिगड़ जाए। इसलिए कहते फिर उन्हें अभिशाप दिया तो क्या बने? हिरण्यक और हिरण्यकश्यप बने। बोले क्यों? चतुसन ने इनका अभिशाप दिया, बोले भक्त अगर बिगड़ गए। कहते इतने बड़े भक्त कैसे बना, अच्छे भावना कैसे आएगा? जब तक किसी भक्तों का कृपा नहीं हो, कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं। जब तक कोई साधु का कृपा नहीं हो, हृदय में कभी अच्छी भावना नहीं आ सकती है। तो ये प्रहलाद कैसे हुआ? कहते ये नारद जब ये गर्भ में था, माँ की गर्भ में था, नारद जी इनको लक्ष्य करके कथा सुनाई, भगवत कथा सुनाई, इसलिए नारद जी की कृपा से ही ये क्या बना? ये प्रहलाद। कहते जब किसी भक्तों का जब किस क्रोध करे, पिताजी का नाम क्या बड़ा? बोले हिरण्यक और हिरण्यकश्यप। हिरण्यक मतलब हिरण्य, मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब होता है आग, मतलब सोना में ही सारे पाप का निवास है, जिनका आँख में केवल केवल पाप ही पाप है। हिरण्यकश्यप मतलब होता है बिस्तरा, मतलब जिसका सोने का बिस्तरा, मतलब हो। अगर किसी भक्तों अगर नाराज हो जाए क्या होगा? पर तुम्हारे विषय में रुचि होगा। अगर किसी भक्तों का कृपा हो जाए, बोले प्रहलाद। बोले प्रहलाद मतलब क्या? मतलब पूर्ण रूप में लाद, लाद मतलब होते आनंद। बोले पूर्ण रूप में आनंद कब मिलेगा तुम्हें? जब किसी भक्तों का कृपा हो जाए। इसलिए इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती सप्तम स्कंध में यही चीज समझा है। So in the seventh canto, Vishwanatha Chakravarti Thakur was explaining in Vatpath that we have, it's called Uti, we have two type of desire for the karma. One is good karma, another is the bad karma. So when we'll have the desire for good karma and when we'll have the desire for bad karma? When some pure devotee is merciful on us, then he is happy with us, he is merciful on us, then we'll have the desire for good karma. But if we do any offense on the lotus feet of some pure devotee, then we'll have the desire of bad karma. So what happens once from the Vaikuntha, the smell of the tulsi leaf reached to Satyalok, the Brahma Lok, and there the Chatushan, the four son of Brahma, when they smell the fragrance of the tulsi, they were attracted towards Vaikuntha and they have gone to Vaikuntha. But the gatekeeper, the Jai and Vijay, stopped them and they didn't allow them to enter into the Vaikuntha. So when they became angry, the four sons of Brahma became angry, they gave the curse to Jai and Vijay. So that you take birth in the dynasty of Asuras. So that is the result of the offense to the lotus feet of Mahabhagavat Vaishnava, and that resulted in the desire for bad karma. And how the good karma vasana came, when Prahlad Maharaj, he was in his mother's womb, in Narad Kunda, when he was, Narad Rishi's, his mother was, she was pregnant and she was there with Narad Rishi's ashram. The 60,000 years Narad told Bhagavad Katha to his mother, Kayadu, and then he listened from the womb and he got the good sanskar and he had the good desire for doing good work, that is the devotion. So they are telling him his name is the Prahlad. Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Hiranyaksha means, Hiran means gold and Aksha means Aki, that the eyes. So if somebody has a desire for wealth, gold is actually the representation of wealth. And there is all sin is the root cause of all sin is the wealth. So if somebody has only the greed of the wealth in his eyes, he resembles to Hiranyaksha. And Hiranyakashipu means, Kashipu means, Hiran means again gold, and Kashipu means bad. So who lies in the bed of golden bed? So who is very much immersed into the materialistic enjoyment? So that is a representation of Hiranyakashipu. So in this type of mentality of greed of materialistic wealth and the materialistic sense gratification cannot give the real pleasure or real desire for good karma.
So what is the meaning of Prahlad? Prahlad, Pra means fully and Lad means Anand or bliss. So he was always enjoying the transcendental bliss. So that's why his name is Prahlad, and he was in that mercy of Vaishnavas. By the mercy of Vaishnavas, he got this. Okay, Gaur Premanande Hari Hari Prasanna Singh Bhagavan Ki Jai. Pasta Sreshtha Sila Prahlad Maharaj Ki Jai. Saparikar Gaur Hari Ki Jai. Now Mahaprabhu also came with this association doing Kirtan. Kirtan comes to here also Mahaprabhu. Yeah, and here also demigod and demigoddess, they are worship to Nrisingha Devaluye. They are worship to Nrisingha Dev. So this name is Nrisingha Palli. Okay, Sri Bhagavan Ki Yeah. चलो बहुत प्रेमानंद है।